कृष्णा, आज हम बनाने जा रहे हैं मावा ड्राई फ्रूट डेजर्ट। जैसे कि नाम मावा है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है मावा। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मावा, 50 ग्राम बादाम की कतरन, 50 ग्राम काजू की कतरन, 50 ग्राम पिस्ता की कतरन, 5 से 6 अंजीर के जिसके मैंने बारीक टुकड़े कर लिए हैं, 5 से 6 खजूर जिससे मैंने सीड निकाल लिया है, 1 स्पून घी और 50 ग्राम पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। एक पैन में हम पॉपी सीड्स डालेंगे और उसे करीबन 1 मिनट तक का भूंजेंगे। ये हल्का भी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद ब्लेंडर जार में अंजीर और खजूर को डालकर उसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। एक पैन में 1 स्पून घी डालकर यह पेस्ट हम 1 मिनट के लिए भूंज लेंगे। इसका भूंजने की वजह से इसका स्वाद दुगना हो जाता है। उसके बाद में बादाम, काजू और पिस्ता को भी हम 1 मिनट के लिए भूंज लेंगे। इससे इसमें क्रंचीनेस आ जाएगा और हमारा डेजर्ट बहुत क्रंची लगेगा। इसके बाद में ब्लेंडर जार में डालकर इसे थोड़ा बारीक पीस ले। एक बोल में हमने जो पेस्ट बनाया था उसे हम लेंगे और उसमें डालेंगे हम ये 1 से 1.5 स्पून ड्राई फ्रूट्स, 1 स्पून पॉपी सीड्स और करीबन 180 ग्राम मावा। इसमें मैं चीनी का प्रयोग नहीं करूंगी क्योंकि अंजीर और खजूर में बहुत मिठास होती है, तो इस मिठास से ये बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहो तो एक्स्ट्रा चीनी डाल सकते हो। इसके मिक्स होने के बाद इसकी एक छोटी सी लोई बनाकर चकले पर घी लगाकर हम इसे गोल बेल लेंगे और सांचे की सहायता से उसे राउंड शेप दे देंगे। इसी तरह हम 3 से 4 गोल लोई बनाकर छोटे से राउंड बना लेंगे। बचे हुए पेस्ट का एक बड़ा बॉल बनाकर हम उसे बेल लेंगे और नाइफ की सहायता से उसे कट करेंगे। और हम इसे एक प्रॉपर शेप देंगे। अंजीर और खजूर की बर्फी वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन जब इसमें मावा हम ऐड कर देते हैं तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। सांचे में हम अंदर से घी लगाएंगे और इसे एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करेंगे। यह डेजर्ट बहुत न्यूट्रिशियस क्रंची है। फिर सांचे को हम निकाल लेंगे और इसे एक प्रॉपर शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसे खसखस से कोट करेंगे ताकि ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखे। इसके बाद में बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को हम फिर से ब्लेंडर जार में डालकर इसे हम पीस लेंगे। मैंने इसमें ग्रीन जेल कलर भी डाला है। आप चाहो तो इसमें कलर ना डालें क्योंकि पिस्ता से भी इसमें बहुत सुंदर ग्रीन कलर आ जाता है। ये हमारा फिलिंग रेडी है। जो हमने मावा और ड्राई फ्रूट का एक बोल बनाया था उसके अंदर हम ये फिलिंग को फिलअप कर देंगे और बाद में हम इसे डेकोर करेंगे। वह ड्राई फ्रूट डेजर्ट को आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। किसी को भी सर्व करने के पहले 30 सेकंड के लिए आप इसे माइक्रोवेव करें। ये गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगती है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। आप इसे दिवाली, दशहरा, होली या व्रत पर भी बनाकर रख सकते हैं। इसे डेकोर करने के लिए मैंने व्हाइट चॉकलेट का यूज़ किया है और आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।